तो गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का GTA 5 के एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग करेंगे प्रिजन ब्रेक, तो उसके लिए मेरे कुछ दोस्त मुझे हेल्प करेंगे। और यहाँ पे जो प्लान है वो यहाँ पे सबको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या प्लान करेंगे, कैसे कैसे किधर जाना है और किसको कहाँ पे सही वक्त पे। यहाँ पे ये जो बंदा है काला सूट पहन के या जो भी हो पहन के रहा है, सबको समझा रहा है कि कहाँ पे क्या करना है। और गाइस यहाँ पे ये बंदा जो बोल रहा है कि प्रिजन के अंदर बहुत खतरनाक है, मुजरिम है या फिर बोलो कि कोई गुंडा है, तो उसको बोल रहा है कि वो अगर हम लोग उन लोग उसको जो गुंडा है उसको बचा लिया तो बहुत पैसा देगा हम लोगों को। और हमारा काम ही है कि ये सब करना, कि कोई भी खतरनाक काम करना उसके बाद में पैसे लेना। और मैं कुछ दोस्तों में जो बुला लिया, इन लोग भी बोल दिया कि चलो ये कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पैसे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और क्या। और ये जो बकबक बकबक कर रहा है क्या बताओ, इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो गाइज उसकी बहुत बड़ा और लंबा भाषण सुन सुन के अब आ चुका है हम लोग उस बंदे को बचाने के लिए। तो पहले क्या करना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा और प्लान सब कुछ मैं समझ लिया, वहाँ पर क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, सब कुछ समझ गया, ठीक है। और ये बंदा जो है मेरा एक दोस्त है, इसको मैं गाड़ी में बैठा लेता हूँ। उसके बाद वहाँ पे बोला है कि मुझे प्रिजनर बनना है, पता नहीं क्यों भाई मुझे भी प्रिजन में डाल देगा, ये इन लोगों का चक्कर है बहुत खतरनाक वाला। गाइज वहाँ पर जाके मिलता हूँ। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं, प्रिजन का बस है यहाँ पे, देखो पहले ही उतर गया, क्या बताओ भाई। मैं यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, उसे पार्क करने भी नहीं देता, क्या बताओ। गाइज यहाँ पे मुझे प्रिजनर बनना है और ये मेरा जो दोस्त है ये ऑफिसर बन गया भाई, ये बहुत गलत हुआ हमारे साथ, मुझे प्रिजनर बना दिया है यहाँ पे। और प्रिजन के अंदर जाना पड़ेगा, ये पता नहीं कैसे 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 लोग रहते हैं, मुझे प्रिजनर बना दिया, मैं अच्छा बन रहा हूँ क्या बताऊँ। और यहाँ पे जो मेरा दोस्त है ये बोल रहा है कि चलो प्रिजन में चलते हैं, तुमको पिजन में डाल देंगे भाई, मजा कर रहा था यार, मुझे लगा कि भाई सीरियस है यार, क्या बताऊँ। और ये जो बंदा है ये पिजन के अंदर जाके उसके बाद ही हम लोग तहलका मचा देंगे, इसके पास गन है बहुत सारा, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई, मैं प्रिजनर हूँ, मेरे पास गन दिखेगा तो वो लोग पहले ही समझ जाएगा, हम लोगों को पिजन के अंदर जाने नहीं देगा। तो इसलिए बोला कि तुम्हारे पास कोई भी गन नहीं रख सकते। मैं फिर भी चेक किया, मुझे लगा कि शायद कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि हाँ एक पिस्टल है, मैं देखा। तो यहाँ पे प्रिजन के अंदर गाइस हम लोग आ चुके हैं, शायद यहाँ से भाई ये तोड़ दिया भाई, क्या बताऊँ। अरे रुक जा भाई, इसको भी मत तोड़ना, हाँ ठीक है चलते हैं गाइस, ये शायद हम लोगों को चेक करेगा। हाँ हाँ भाई एक ही बंदा है, क्या बताऊँ, हाँ ऐसा ही है। गाइस प्रिजन के अंदर हम लोग आ चुके हैं, शायद यहाँ पे बहुत सारा सिक्योरिटी नहीं दिख रहा फिलहाल, ये दो बंदे इधर और एक यहाँ पे फेंक दिया भाई, भाई प्रिजन का बस बस यहाँ पे ही रोक दिया भाई। अरे धक्का कैसे हरामी है भाई, अपने दोस्तों को धक्का मार रहे, देखो देखो देखो, क्या बताऊँ गाइस, ये बहुत धोखेबाज दोस्त है, क्या बताऊँ इनको। मैं बोला था कि आ जाओ, अरे भाई पहले ही मार दिया भाई, क्या कर रहा भाई, रुक जा भाई, वहाँ पे जाने दो मुझे, मेरे पास हैंड गन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके पास गन है तो पहले इन लोगों को मार दिया भाई, बहुत गलत बात है, पहले उन लोगों को मारने भाई मार देंगे, हेडशॉट मारेंगे, क्या आया भाई शॉटगन, भाई उसने उठा लिया भाई, उसके पास गन है फिर भी उसने शॉटगन उठा लिया, पड़ा था उसके पास, मैं उठा लेता तो मेरा काम आ जाता, लेकिन नहीं मुझे हैंडगन के साथ ही जीना पड़ेगा भाई, बहुत गलत है भाई, मैं प्रिजनर क्यों बना गाइस, भाई इन लोगों का प्लान है मैं प्रिजनर बनना पड़ेगा, क्या बताऊँ। कोई बात नहीं, मैं प्रिजनर हूँ फिर भी चलेगा, हैंडगन से सबको ठोक डालेंगे, देखा हेडशॉट मारते हैं इन लोगों को, हैंडगन ही काफ़ी है गाइस, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, हैंडगन ही काफ़ी भाई, यहाँ पे देख रहा था, ये देखो भाई, इसको बोला कि आगे जाओ लेकिन नहीं, मुझे ही आगे जाना पड़ेगा, ये यहाँ पे गोली चल रहा है, वो इधर जो बंदा है वो छत के ऊपर हो, देखो भाई इसको मार दूँगा, यहाँ से ही मारूँगा, देखो देखो भाई भाई हैंड गन है भाई, नहीं मार रहा, इसके पास से मारूँगा, इसको डर भी नहीं लग रहा भाई। अरे भाई तू मुझे क्यों मार रहा है, मैं तेरे टीम में हूँ भाई, क्या बताऊँ, बहुत धोखेबाजी टीम मेट है मेरा। और गाइस यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर जो है प्रिजन को गार्ड कर रहा है, प्रिजनर गार्ड इन लोगों को सारे को मार देंगे, हाँ बता, देखा 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 देखा, यहाँ पे लेटा पड़ा है, इसको मार दिया मैंने गाइस, यहाँ पे बहुत सारा एनिमी है, क्या बताऊँ, एनिमी नहीं, एनिमी क्यों बोलेंगे इन लोगों को, प्रिजनर गार्ड बोलेंगे शायद, लेकिन फिलहाल हम लोगों का एनिमी है, देखो गार्ड ले रहे, गार्ड लेना भी नहीं आता, ले हेडशॉट का भाई साहब। अब जो मैं पहले बोला था जो गुंडा है या फिर बोलो कोई प्रोफेसर, जो मैंने बोला था शायद, ये जो यहाँ पे सब गुंडे की प्रोफेसर है, यहाँ पे गुंडे
प्रोफेसर के पास सीखते हैं कैसे गुंडामी करते हैं। गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हम, और ये जो ये बंदा, अरे तेरे को मारने नहीं आया, ये लो हैंडगन ले लो, चल दो ये, चलो यहाँ से चलो जल्दी यहाँ से चलो, अरे ले ले भाई, कितने क्या ही नकड़े है भाई। हाँ आप देखो हैंडगन देखे कैसा कैसे निखरा रहा है। हाँ 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 बोल ले तू, आप बोल ले क्या बताऊँ। चलो गाइस ये बंदा जो हैंडगन ले लिया है इन सबको, अब मारना पड़ेगा हम लोगों को शायद। हाँ हाँ तू भी मार, तेरे का हैंडगन नहीं ऐसे ही नहीं दिया, मारना पड़ेगा उन लोगों को। गाइस बहुत सारे स्वाट एनिमी जो है, या फिर स्वाट का जो है क्या बताऊँ, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बताऊँ, बहुत सारे है भाई। भाई मेरा जो है पुलिस ऑफिसर वो पीछे खड़ा है भाई, उसको इन लोगों को मारना चाहिए, लेकिन नहीं मैं ही मार रहा हूँ इन लोगों को भाई, क्या ही नल्ला है। ये देखो हेड शॉट मार दिया भाई, स्वाट का एनिमी, स्वाट का जो है एनिमी, शायद एनिमी बोलेंगे, हाँ स्वाट एनिमी शायद, एनिमी यस एनिमी बोलेंगे हम लोगों को फिलहाल, उन लोगों का एनिमी हम। और मैं यहाँ पे चलता फिरता मार खा रहा हूँ, कहाँ से मार रहा है कैसे मार रहा है पता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पेन किलर ले रखा हूँ तो इसके लिए मुझे ज़्यादा कोई दर्द वर्द नहीं होगा, मैं ज़्यादा देर तक बचा रहूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गोली लगेगा फिर भी। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा गन लूट लेता हूँ इन लोगों से, अगर इन लोगों का गन से कोई एमओ मिल जाए या फिर मैगजीन से एमओ मिल जाए, तो इसके लिए मैंने इन लोगों का गन भी लूट ले रहा हूँ। और मैं यहाँ पे कवर में हूँ, मैं उसको जो मैं दोस्त आया था उसको मैं बोल रहा कि भाई मार उन लोगों को, क्या कर रहे हैं, तो ऐसे ही बस गार्ड में खड़ा है क्या बताऊँ। और मैं ऐसे गार्ड लेके इन लोगों को मारूँगा भाई, यार देखो वहाँ पे एक छुपा बैठा है, मैं पहले ही दिखा मुझे, हाँ मर आप मर रहे भाई, क्या है क्या ही हरा में, हाँ मर 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 मर, हाँ बस बहुत सारा गोली ले लिया भाई, ऐसे गोली कम है लेकिन ज़्यादा कोई काम नहीं है, चल जाएगा। और यहाँ पे एक भेस्ट पड़ा है, मैं उठा लेता हूँ, मुझे डैमेज कम मिलेगा, मैं मरूँगा नहीं जल्दी से। और यहाँ पे भाई यहाँ पे बहुत सारे नहीं है गाइस, प्रिजन ब्रेक करना कोई आसान बात थोड़ी है। ये देखो ओ ऊपर है, अब आया है ये पुलिस ऑफिसर या फिर मेरा दोस्त जो भी कह लो इसको। और मैं यहाँ पे गन रिलोड कर लेता हूँ, वहाँ पे पहले ही मार दिया भाई, किल भी चुरा लिया, ऐसे हरामी है किल तो चुरा लेता है, ऊपर से सही टाइम पे आता भी नहीं है। मैं याद ऐसे दूर दूर से घूम के जा रहा था, शायद मुझे कुछ एनिमी दिख जाए वहाँ पे, पीछे से जाके हमला कर दूँगा। और मैं शायद यहाँ से घूमना पड़ेगा, हाँ घूम के चलता हूँ, घूम के चलूँगा तो ऐसे ही धप्पा दे दूँगा उन लोगों को जाके। हाँ भाई हाँ, ए देखो कैसा लगा मेरा मजा, मर जाओ, अरे कैसे भाई वो ग्लिच हो गया, उसका पिंग आई है शायद, हाँ मर जा, सबको मरेगा, सब मरेंगे हमारे हाथ में, कोई नहीं बचेंगे, हमारे पास बहुत सारे एनिमी है, हमारे पास है भाई, मेरा खुद का दोस्त ही एनिमी है, क्या बताओ। ये देखो कैसे गोली मोली कैसे बम फेंक रहा है, देखो क्या बताऊँ। अरे भाई मैं इनको एनिमी को मार दिया भाई, स्वाट का जाओ ऑफिसर है शायद, क्या बताओ स्वाट का। ये देखो मेरा तो मैंने बोला था जी, मेरा दोस्त ही नहीं है शायद बहुत बड़ा, देखो मेरे को ही उल्टा दिया, मैं ही उलट गया, देखो ये गोली चल रहा है मेरे ऊपर ही। और मेरा हिंदी जो बहुत गलत है भाई, बहुत ख़राब है, बहुत दिनों के बाद हिंदी बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे, वैसे मैं बंगाली बोलता हूँ। अगर तुम लोगों को ऐसा कोई बंगाली चैनल चाहिए तो कमेंट कर दो नीचे, मैं बंगाली में बोल के भी वीडियो बना सकता हूँ, वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिलहाल, लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर बंगाली में आप लोग बोलोगे तो मैं कर दूंगा, एक बार चैनल पे मैं बंगाली की वीडियो बनाऊंगा। और फिलहाल इन लोगों को भी मुझे मारना पड़ेगा पहले, और देखो लेटा पड़ा है शायद वो मर गया, भाई मर गया क्या भाई, हाँ वो पहले ही मर गया, उसको मार दिया शायद मेरे दोस्त ने। भाई यहाँ पे बहुत सारे वो स्वाट का जो वो है, स्वाट क्या बोलते हैं उसको भाई, मैं भूल ही गया स्वाट का क्या होता है, गाइस कमेंट कर दो कि स्वाट का जो क्या होता है उसको, मैं थोड़ा याद नहीं आ रहा, आपको पता है तो आप कमेंट कर देना जल्दी से जल्दी, पहले वीडियो देख लो उसके बाद ही कमेंट करना। और भाई यहाँ पे मैं देख रहा था मेरे गन में कितने एमओ है, और भाई वो उन लोग गोलियाँ बरसा ही जा रहे भाई, उन लोग आते ही जा रहे, क्या बताऊँ इनको मारना ही पड़ेगा, क्या करें, मर जा भाई, भाई कितने गोली ले रहा है स्वाट का जो है ना, ये बहुत मरता नहीं है, बहुत ढीठ बंद है ये लोग, मर जा नहीं मरा, अरे मर जा भाई आप मरेंगे सब, हाँ मर 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 नहीं मर रहा, हटो भाई
क्या ही नल्ला गाने। ऊपर से इन लोगों के पास बहुत सारा इक्विपमेंट है जो भेस्ट मेस्ट रहता है, उनके वजह से ये लोग नहीं मारा जल्दी से। मर जा भाई, मर जा मर जा, हाँ मर, इन लोगों को मरना ही पड़ेगा, क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकते फिलहाल। ये लोग जो है भाई तू आ जा, गुंडे, बहुत सारे गुंडे, बहुत ही खतरनाक गुंडा है, क्या बोला था, हैंड गन लेकर पीछे छुप के बैठा है, क्या क्या ही गुंडा बनेगा रे तू। ऐसे गुंडा है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, बस प्रोफेसर बोल रहा था इसको, ये प्रोफेसर ये है वो है, पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे मैं ये जो है आर्मर्ड फैन जो है इसमें ऊपर आ जाता हूँ, इसके लिए पिजन के अंदर से भाग जाएंगे। हाँ भाई, ये मेरा दोस्त जो है वो वैन चला रहा है। हाँ मार 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 मार, मुझे मार, मरना है मुझे, मार, नहीं मार पाएगा तू। हाँ हाँ, कैसा लगा मेरा मजाक भाई? मेरा मजाक बहुत अच्छा लग रहा है उन लोगों को। कैसा लगा ये? देखो देखो ये क्या ही कर लेगा भाई, मेरा दोस्त बहुत हैवी ड्राइवर है शायद, कैसे ठोक रहा है, देखो देखो देखो, क्या ही क्या ही। और उन लोग मुझे, हमारे ऊपर, मुझे नहीं हमारे ऊपर गोली बरसाई जा रहा है, लेकिन आर्मर ट्रक है इसके लिए हम लोग बच जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा हम लोग। ये पहले ही ठोक दिया भाई, क्या क्या गुंडा बनेगा रे, हमेशा ठोकता ही जा रहा है, क्या क्या ही हैवी ड्राइवर है भाई। गाइस आप भी ऐसा हैवी ड्राइवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए जाना, अगर नहीं भी हो तो भी करना भाई, क्या बताऊँ, करना तो पड़ेगा, वैसे फ्री में है सब्सक्राइब, कोई पैसा नहीं लगता इसके लिए, तो सब्सक्राइब कर दो। ऊपर हेलीकॉप्टर हम लोगों का पीछा कर रहा है, और हमारा दूसरा दोस्त जो है वो वहाँ पे प्लेन लेके बैठा है, और एक बंदा जो है वो हेलीकॉप्टर लेके बैठा है। ये देखो इन लोगों को ऊपर के एनिमी जो है वो सब कुछ साफ कर देगा, और ये प्लेन लेके बैठा है, हम प्लेन से एस्केप करेंगे यहाँ से। तो उसके पहले यहाँ पे बहुत सारे जो पुलिस ऑफिसर जो आ चुके हैं उन लोगों को मारना पड़ेगा उसके लिए। तो मैंने जो ट्रक से उतरने पहले ही मैं बहुत सारे गोली बरसा दिया, फिर नीचे आके भी बहुत सारे वो मारूंगा। हाँ मर जा भाई, मर जा आप, तुम कैसे 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 नहीं मारोगे, मर जाओ भाई, यहाँ पे बहुत सारा तहलका मच रहा है भाई। उसको मत मार, उसको मत मार, उसको ऑफिसर को, ऑफिसर नहीं प्रोफेसर, प्रोफेसर को मारेगा तो हमको पैसे नहीं मिलेगा, उसको मत मार भाई। प्लेन में आ चुके हैं भाई, जल्दी चलो, जल्दी 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 चलो, जल्दी टेकअप कर ले भाई, अब टेकअप करेंगे तो बच जाएंगे शायद। हाँ जल्दी कर भाई, क्या ही प्लेन उड़ा रहा है, इसको उड़ा भी नहीं गया था। हाँ बहुत स्लो प्लेन ले गया गाइस, हम लोग आ चुके हैं बहुत दूर उन लोगों से, और पुलिस जो है वो नहीं पकड़ पाए, बहुत से ऊपर से आ रहा था हेलीकॉप्टर लेके, लेकिन हमारे पास प्लेन है इसलिए पकड़ नहीं पाया। तो हम लोग उन जो प्रोफेसर है उसने बोला कि यहाँ से कूद जाओ, मैं बाकी सामान संभाल लूँगा। ऐसे प्लान में भी यही ऐसा ही था कि यहाँ से कूद जाना है, तो हम तीनों यहाँ पर कूद गया, और एक हेलीकॉप्टर लेके वो बैठा है, और हेलीकॉप्टर लेके आ रहा था, तो बोला कि यहाँ पे जो बीच है यहाँ पे आके रुकना है, और वो हेलीकॉप्टर लेके आएगा, उसके बाद हम लोग सिटी के अंदर चले जाएंगे, और किसी को कुछ भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्या ही कोई भी नहीं जानेगा, क्या हम लोग क्या कुछ किया भी नहीं, कोई कुछ नहीं देखेगा किसने। देखो भाई क्या ही पायलट है, ये आके सीधा पानी में उतर दिया हेलीकॉप्टर भाई, क्या बताओ, बहुत सारे हेवी ड्राइवर भी हैवी पायलट भी है। और मैं सोच रहा था कि चलो, और ये देखो ये बीच के अंदर नहीं आ पाया, वो पानी के अंदर कूद गया वहाँ पे सीधे, शायद पैराशूट खोलना भी नहीं आता उसको, क्या बताओ, बहुत नुबड़े है, क्या ही मेरे दोस्त जो है नुबड़े बंदे है। तो हेलीकॉप्टर पास जा रहा है, तो चलो मैं भी चलता हूँ वहाँ पे, हेलीकॉप्टर पे उठ जाएंगे, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। भाई मुझे भी जाना है, रुक जाओ भाई रुक जा, हाँ चलो, अरे अरे भाई मुझे लेके चलो, ये देखो देखो, मैं बोला था हैवी ड्राइवर है, देखो मुझे ही मारने का तुला है, इन लोगों का लीडर मैं ही हूँ, और मुझे ही ये लोग मार देंगे, तुझे पैसे नहीं मिलेगा भाई, ऐसे करेगा तो पैसे कम दूंगा तेरे को। तो गाइस अरे ये हेलीकॉप्टर बहुत तोड़ फोड़ कर लेके आया है, पहले ही जो बोला था कि बहुत हैवी ड्राइवर थोड़ी बोलते इसको, हैवी पायलट है। और ये हेलीकॉप्टर का हालात कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे, अरे शूट करा तो इसे मैं बोल रहा कि डोंट शूट, शूट मत करना, शूट करेगा तो पुलिस फिर से पकड़ने आ जाएंगे, यहाँ पर गोली चल रहा है ये वो वगैरह वगैरह। तो सिटी के अंदर चलते हैं गाइस, उसके बाद हमारा मिशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
गाइस यहाँ के साथ ही हमारा मिशन जो है बहुत कंप्लीट हो चुका है, और प्रोफेसर भी वो प्लेन लेके भाग गया, और उसका पैसा पता नहीं कब देगा। गाइस यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि चलो जीत गए हम लोग, या तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग एक और नए एपिसोड में, GTA 5 या माइनक्राफ्ट या कुछ कोई भी और गेम हो, तो बाय बाय।